दृष्टि पीसीएस चैनल के राज्य योजना प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य की दो योजनाओं की। पहली मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। पहले परिचय की बात करते हैं। 1 मई 2022 से इस योजना को लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल अथवा मृतक के परिजन को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई थी। प्रमुख लाभों को देख लें तो योजना के अंतर्गत 9 मई 2022 अथवा इसके बाद होने वाले दुर्घटनाओं को कवर किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य के पंजीकृत परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंख अथवा किसी भी एक अंग की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के तहत लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे महंगे इलाजों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब हमारी दूसरी योजना की बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना को राज्य में 1 जून 2016 से लागू किया गया है। योजना का मकसद बालिकाओं के समग्र विकास और उनके प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है, साथ ही उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में भी सुधार करना है। इसके लाभों को देख लेते हैं। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। योजना के अंतर्गत कुल 6 किश्तों में प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक को अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाते हैं। बेटी के जन्म होने पर 2,500 रुपए दिए जाते हैं। बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका की उम्र के अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2,500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं शेष राशि योजना के प्रावधान अनुसार 4 किश्तों में दी जाती है। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि बालिका के नाम से दी जाती है।